हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रधानमंत्री के संबंध में जो है तो क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, कई बार जो है प्रधानमंत्रियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो हमें सारे प्रधानमंत्रियों के नाम याद करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से प्रधानमंत्री याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ट्रैक के माध्यम से। और मुझे उम्मीद है कि यदि आपने इस छोटी सी कहानी को पढ़ लिया तो आप सारे के सारे प्रधानमंत्री याद कर लेंगे। और दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में पहले प्रधानमंत्री से लेकर के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री तक सारे प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं, और साथ ही साथ ठीक उसी क्रम में इसमें शामिल हैं जिस क्रम में वह प्रधानमंत्री बने। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस छोटी सी ट्रिक को, एक जो है तो प्रधानमंत्री की कहानी को। यहां पर जैसा कि कहानी शुरू होती है, एक दिन या बहुत समय पहले की बात है, तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है, एक दिन है ना, एक दिन अचानक नेहरू के गुजर जाने का सदमा लाल बहादुर सह ना सके और वह भी गुजर गए। इस संकट की घड़ी में इंदिरा ने देश को संभाला। सरकार चलाने में चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा की पूरी हेल्प की, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी गई। तब उनके बेटे राजीव ने गवर्नमेंट संभाली। वह अक्सर अपनी माँ के अंतिम संस्कार का वीडियो VCP पर देखकर अत्यंत दुखी हो जाते थे, क्योंकि वह अहिंसा के पुजारी थे। इसलिए वह आम लोगों में बेहद लोकप्रिय नेता थे, और वर्तमान में लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी और केवल नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जिन शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है वही शब्द हमें ध्यान रखना है, और जैसे जो है तो उनको लिखा गया है वैसे ही आपको जो है तो ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें जो है तो उसके ना तो स्पेलिंग में जो है तो बदलाव करना है और ना ही उसके अर्थ में। जहां पर देश लिखा है आपको देश ध्यान रखना है, जहां पर सरकार लिखा है गवर्नमेंट लिखा है वहां पर गवर्नमेंट। तो जहां जो चीज लिखी है उसी के हिसाब से हम लोग यहां पर देखेंगे। तो देखते हैं इसमें कैसे जो है तो सारे के सारे प्रधानमंत्री शामिल हैं। तो यहां पर आया, एक दिन अचानक नेहरू के गुजर जाने का सदमा। तो यहाँ पर एक नंबर पर आपका आ जाता है नेहरू, अर्थात नंबर एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, एक दिन अचानक नेहरू के गुजर जाने का सदमा। तो दूसरा है गुजर, अर्थात गुलजारी लाल नंदा। हालांकि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे है ना, पूर्णकालिक नहीं थे। इसके बाद गुजर जाने का सदमा लाल बहादुर सह ना सके, तो यहां पर तीसरा है लाल बहादुर, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री तीसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री है ना, लाल बहादुर सह ना सके और वह भी गुजर गए। तो
गुजर गए से गुलजारीलाल नंदा, गुलजारीलाल नंदा है ना, यहां पर भी ये कार्यवाहक ही थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इस संकट की घड़ी में इंदिरा ने है ना, इंदिरा है ना, तो पांचवें नंबर पर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ठीक। इंदिरा ने देश को संभाला, यहां पर देश है ना, तो देश से देसाई है ना, अर्थात मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ठीक। इंदिरा ने देश को संभाला, सरकार चलाने में चौधरी चरण सिंह, किसने हेल्प की, चौधरी चरण सिंह है ना, तो चौधरी चरण सिंह ठीक, चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा की पूरी हेल्प की। फिर से यहां पर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ठीक, इंदिरा की पूरी हेल्प की, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी गई। किसकी, इंदिरा गांधी की, उनकी भी हत्या कर दी गई। तब उनके बेटे राजीव, उनके बेटे राजीव है ना, राजीव अर्थात राजीव गांधी, राजीव गांधी ठीक, राजीव गांधी ने गवर्नमेंट संभाली। वह अक्सर अपनी मां के अंतिम संस्कार का वीडियो वीसीपी है ना, जैसे वीसीआर होता है ना कैसेट देखने के लिए, वैसे ही वीसीपी है ना, तो वीसीपी पर जो है तो वीडियो देख करके, तो यहां पर वीसीपी है ना, अर्थात यहां पर जो है वी से विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी से चंद्रशेखर, और पी से पी वी नरसिम्हा राव, पी वी नरसिम्हा राव ठीक। वीसीपी पर देखकर अत्यंत दुखी हो जाते थे, क्योंकि वह अहिंसा, यहां पर ध्यान रखिएगा अहिंसा कैसे लिखा है, ए एच आई एन, ये कैपिटल है, उसके बाद एस ए ये स्मॉल है, तो हमें केवल कैपिटल लेटर को यहां पर लेना है, तो यहां पर जो है ए से अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, एच से एच डी देवेगौड़ा है ना, हरदन हल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा है ना, एच डी देवगौड़ा, तो ये। इसके बाद आई एन से
है ना, आई एन को एक साथ ले लेंगे तो आई एन से है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल है ना। इसके बाद क्योंकि वह अहिंसा के पुजारी थे इसलिए वह आम लोगों में बेहद लोकप्रिय नेता थे। आम, आम की स्पेलिंग यहां पर क्या लिखी, डबल ए डबल एम, आम है ना। तो यहां पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी है ना, फिर से अटल बिहारी वाजपेयी और इसके बाद जो है डबल एम लिखा है तो एम से मनमोहन सिंह है ना, ये 18 है ना, 19 पे दूसरे एम से पुनः जो है तो मनमोहन सिंह ठीक। इसके बाद क्या है, आम लोगों में बेहद लोकप्रिय नेता थे और वर्तमान में लोकप्रिय नेता कौन है, नरेंद्र मोदी है ना, और केवल नरेंद्र मोदी अर्थात दो बार नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और केवल नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों ये आपके अभी तक के वर्तमान प्रधानमंत्री तक सारे प्रधानमंत्री हो जाते हैं। यहां पर एक से लेकर के 21 तक की जो लिस्ट है, हालांकि इसमें दो जो कार्यकाल है वो कार्यवाहक हैं है ना, यहां पर जो है गुलजारी लाल नंदा दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में यहां पर इन्होंने कार्य किया है ना। तो अगर पूर्ण कार्यकाल के हिसाब से देखें तो 19 और अगर इसको कार्यवाहक को शामिल करते हैं तो 21 प्रधानमंत्री यहां पर हमारे सामने जो तो आ जाते हैं। तो यहां पर देखिए कितने छोटी सी कहानी में सारे के सारे प्रधानमंत्री आपके शामिल हो जाते हैं। एक दिन अचानक नेहरू के गुजर जाने का सदमा लाल बहादुर सह ना सके और वह भी गुजर गए। इस संकट की घड़ी में इंदिरा ने देश को संभाला। सरकार चलाने में चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा की पूरी हेल्प की लेकिन उनकी भी हत्या कर दी गई। तब उनके बेटे राजीव ने गवर्नमेंट संभाली और वह अक्सर अपनी मां के अंतिम संस्कार का वीडियो VCP पर देखकर अत्यंत दुखी हो जाते थे क्योंकि वह अहिंसा के पुजारी थे और इसीलिए वह आम लोगों में बेहद लोकप्रिय नेता थे और वर्तमान में लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी और केवल नरेंद्र मोदी ही हैं ठीक। तो इस प्रकार से ये आपके सारे के सारे प्रधानमंत्री इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक, कमेंट करके आप जरूर बताएं और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल RSP लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल आइकॉन को दबाएं जिससे कि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग ट्रिक के वीडियो जैसे ही आए तो आपको तत्काल इसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।